दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का लुत्फ तो आपने खूब लिया, इसके बाद आरआरटीएस यानी रैपिड रेल की व्यवस्था भी अब शुरू होने वाली है। इसके अलावा आपका सफ़र और भी आसान होने वाला है, जिसमें ट्रैफिक का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। जी हाँ, गाज़ियाबाद में रोपवे का लुत्फ भी आप उठा सकेंगे। क्या तैयारी है इसे लेकर, क्या क्या रूट रहेगा, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। एनसीआर के गाज़ियाबाद में रोपवे शुरू करने की तैयारी पर काम जोर शोर से चल रहा है। जीडीए मोहन नगर से वैशाली रूट के अलावा तीन और रूटों पर भी रोपवे चलाने के लिए डीपीआर तैयार कर रहा है। जीडीए के अधिकारियों के मुताबिक रोपवे निर्माण में लागत मेट्रो के मुकाबले काफ़ी कम है और गाज़ियाबाद के ट्रैफिक की समस्याओं से राहत देने के लिए ये एक बेहतर साधन हो सकता है। जीडीए वीसी कृष्णा कर्णोनिस के मुताबिक जीडीए की बोर्ड बैठक में मोहन नगर से वैशाली मेट्रो के बीच रोपवे को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इसके अलावा तीन और रूटों पर भी रोपवे चलाने की तैयारी है। इनमें नया बस अड्डा से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, वैशाली मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन और राजनगर एक्सटेंशन से हिंडन रिवर स्टेशन के बीच रोपवे सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से डीपीआर भी बनवाया जा रहा है। डीपीआर तैयार होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं जीडीए के इंजीनियरों के मुताबिक मेट्रो की तुलना में रोडवे का जो निर्माण है उसमें करीब एक तिहाई लागत कम हो जाती है। वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 1500 करोड़ रुपए करीब आंकी गई थी, जबकि रोपवे में अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। इसलिए मेट्रो की बजाय रोपवे निर्माण पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है। जीडीए के अधिकारियों के मुताबिक रोपवे के निर्माण में आने वाले खर्च को NHLML करेगा और इसके लिए जमीन जीडीए उपलब्ध कराएगा। निर्माण पूरा होने के बाद संचालन NHLML के जरिए ही रहेगा और अपनी लागत वो उसी से वसूल करेगा। आपको बता दें कि मोहन नगर से वैशाली मेट्रो स्टेशन तक 5.2 किलोमीटर का रोपवे बनाने के लिए काम चल रहा है। इसकी अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर पूरा करने की योजना बनाई गई है। इसका DPR तैयार हो गया है। मोहन नगर से वैशाली तक रोपवे प्रोजेक्ट में 4 मेट्रो स्टेशन भी प्रस्तावित हैं। इसमें वैशाली, वसुंधरा, साहिबाबाद और मोहन नगर हैं। यही नहीं, इस रोपवे के जरिए आपका सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। वैशाली से मोहन नगर तक आने जाने के लिए 2 ट्रैक बनाए जाएंगे और एक ट्रॉली में लगभग 10 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। तो गाज़ियाबाद में अब आप मेट्रो की सुविधा उठा ही रहे हैं, रैपिड मेट्रो रेल शुरू होने वाली है और अब रोपवे की सुविधा आगे शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए इस अच्छी खबर में इतना ही। आपकी क्या राय इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।